सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग. सो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे. सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ. आज मैं जा रही हूँ अपने घर वापस. सो दोस्तों, ठंड बढ़ चुकी है. अभी तो यहाँ पे धूप भी नहीं निकल रही, थोड़ी थोड़ी सी धूप दिख रही है मुझे यहाँ पे. कल से तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी, ऐसे लग रहा है ठंड अब बढ़ती जाएगी. तो आज हमारे घर पे बन रही है छोले पूरी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा ना छोले पूरी खाने का मन कर रहा था. वैसे तो थोड़े टाइम पहले ही खाई थी, बट अभी घर पर तो सोच रही है कि छोले पूरी दोबारा खाई जाए यार, क्योंकि मुझे तो पूरी आती नहीं है बनाने. मतलब बना लेती हूँ, लेकिन कच्ची ऐसी ऐसी कच्ची पक्की सी, वो मेरे सर पे ही ऑयल चढ़ जाता है पूड़ियों का ना. सो अभी देखते हैं किचन में क्या हो रहा है. आज मैंने ना ये पहनी है, ये वाली अपनी ना स्वेटशर्ट ना, जो मैंने नई ली थी मिंत्रा से. मुझे तो अभी काफ़ी सही लग रही है, स्टार्टिंग में तो मुझे सही नहीं लग रही थी, और काफ़ी सही है. मतलब पहनने के लिए ना अच्छी है, ज़्यादा वो नहीं है कि मतलब पहन सकते हो आप इस वाली थोड़ी ठंडी में ना, पहन सकते हो. रही है तैयारियाँ छोले बनाने की. तन्नू बनाएगी वाइट वाले छोले, चने बोलते हैं, छोले बोलते हैं उनको, जो भी बोलते हैं वही बनाएगी. ये रहा सामग्री छोले बनाने का. और वो वाले छोले बनाएगी ना तन्नू, क्या बोलते हैं, हैं? हाँ, वो पत्ती वाले, वो वाले चाहिए ब्लैक, वो अच्छे लगते हैं. वो बाहर बाहर ऐसे ही बनते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में ना, वो दूसरे वाले ही होते हैं. आज मैं आपको दिखाती हूँ छोले की रेसिपी, वो जो भटूरे के साथ जो मिलते नहीं है रेडियो के ऊपर छोले, वो बहुत टेस्टी वाले, वैसे वाले छोले बनाएगी ये. उसकी रेसिपी दिखाती हूँ कि वो कैसे बनाए जाते हैं. सो ये लगाया जा रहा है तड़का अभी छोलों का. प्याज टमाटर मिक्स करके लगा रही है? प्याज टमाटर लहसुन अदरक हरी मिर्च सारा सारा कुछ मिक्स करके. जल्दी बनते हैं और अच्छे भी बनते हैं. मेरे को देख के सीखा है क्या ये? मैं भी ऐसे मिक्स करके लगाती हूँ, मेरे को देख के सीखा है ना तुमने? ये मम्मी तो अपनी ऐसे करके बनाती नहीं, मम्मी तो अलग करती है. सीखी है एक्चुअली कहीं से. कहाँ से सीखी है? मुझे भी सिखाई है फ्रेंड ने. अच्छा. अच्छे बनते हैं बट ऐसे बहुत. इसने प्याज टमाटर लहसुन मसाला सारा कुछ इकट्ठे मिक्स कर दिया. लहसुन अदरक हरी मिर्च से ओके टेस्टी से बनते हैं. मैं भी ना ऐसे मिक्स करके ही बनाती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है थोड़ी जल्दी बन जाते हैं. और वैसे तो अलग ही करके बनाने चाहिए, प्याज अलग भुनने चाहिए, टमाटर अलग भुनने चाहिए, लेकिन जिन्हें एक्सपीरियंस होता है ना वो इकट्ठे भून सकते हैं. जो चाहते हैं जल्दी जल्दी सब्जी बन जाए, वही इकट्ठे भून सकते हैं प्याज टमाटर ना. लेकिन ज्यादा देर तक रखना पड़ता है, तब जाके भुना जाता है. ये नहीं कि ऐसे ही 5 मिनट में बस तड़का लग गया जी, ऐसे नहीं होता. हाँ, जब पूरा घी अच्छे से ये रस जाती है ना, तड़का रस जाता है अच्छे से, तब जाके ही इसके अंदर फिर जाएंगे चने या कोई भी बनानी हो कोई सब्जी, तो ऐसे ही कर सकते हो आप ट्राई ना. यहाँ पे ये देख, मैंने पत्ती का जो पानी है ना वो बाहर रखा था ना. कहाँ है? मतलब भिगो के रख दी थी पत्ती. ये रहा. अच्छा, पत्ती भिगो के रखते हैं क्या? मुझे ना. अच्छा. हाँ, भिगो के भी रखते हैं. हाँ. तो पानी के अंदर डाल के अच्छे से उबाल और फिर छान के इसी पानी में मिक्स कर दो. अच्छा. बट अभी हमारे को यहाँ पता था ना कि हमें छोले बनाने को, रात को पानी भिगो के रख दिया था. पत्ती वाला अच्छे से कलर आ जाएगा ना. और अच्छा, भिगो के रख दो तो उससे अच्छे से कलर आ जाता है. उबालना उबुलना नहीं पड़ता क्या? उबल ही जाएगा ना इसमें. अच्छा, तो ये रहा पत्ती का पानी. ये जो चाय पत्ती होती है ना उसका पानी है, बड़ा भिगो के इसको रख दिया था. चम्मच डाल दी थी रात को ही. हाँ. एक ग्लास में और फिर सारा काला काला हो गया ना. और इससे थोड़ा इससे कलर आ जाता है ना, इसी से तो टेस्ट आएगा सारा. हाँ, इससे कलर आ जाता है ब्लैक कलर के, मतलब रंग अलग सा ही कलर आ जाता है. हाँ हाँ, मिलते हैं वो वाले छोले. हाँ, ये तूने वही. इसमें कमी होता है, ज्यादा नहीं होता, नहीं तो अच्छे नहीं लगते ना. ओके, दैट्स नाइस. हम पूड़ी बनाएंगे साथ में. वैसे तू बता, पूड़ियाँ खाते हैं यार? चावल खा लिए हमने. चावल तो वैसे भी खा लिए बहुत बार यार, पूड़ी खा लेते हैं. अभी बहुत ज्यादा है ना. उबाला देते हैं फिर ढक देंगे प्लेट से, नहीं तो पूरी छिट्टे पड़ जाती है फिर तो ऐसे. वो तो पता है, बहुत ज्यादा आंखों में भी काटते. पूड़ियाँ बनाओगे ना? पूड़ी तो मम्मी बनाएंगे है ना, छोले के साथ पूड़ी खाएंगे. चावल तो बहुत बड़ी खा लिया हम लोगों ने. हाँ, ये तड़के के यार खतरनाक होते हैं प्याज बड़े. ये तो तड़का लगने के बाद भी ना काटते ही रहते हैं, काटते ही रहते हैं आंखों में. नू पूछ रही है रोन का है, डोली ने बाहर बंद कर रखा है उसे, क्योंकि वो ना गंद मचा, सफाई हो रही है ना तो गंद मचा देते हैं हम पे सारा की सारा. लग गया तड़का, ये देखो कैसे इसके उबाले आई जा रहे हैं बहुत दूर से. जीरा भी डाला है इसमें? हाँ, जीरा तो डालेंगे ना, टेस्ट अच्छा आ रहा है. थोड़ी सी मैंने हिंग भी डाल दी थी, बिल्कुल बिल्कुल पिंच सी. क्या उससे अच्छा हो जाता है? खुशबू आती है. अच्छा, हिंग से डाइजेस्ट भी तो हो जाता है. खा लेना चाहिए थोड़ा बहुत. डाइजेस्ट भी होता है ना हिंग से तो. ये रोन बैठा है बाहर, पता
क्या कर रहा है, किसी को तो देख रहा है, ये बाहर बैठ के देख के आता है क्या, किसको देख रहा है। बहुत ज्यादा ही उबल रहा है यार। अब तेज गैस पे रख के बैठी है, तेज गैस पे क्यों करा हुआ तूने? और मेरे कपड़े भी वाइट है यार, एक तो क्यों पहना तूने वाइट आज? दिमाग में नहीं था इतनी अच्छी वाइट स्वेटर, आज तो खराब करेगी। पड़ रही है छींटे, सब्जी की छींटे पड़ गई ना स्वेटर पे। अब तो ये आराम से छींटे इसी में होगा, होता करे। कढ़ाई में डाला नहीं मैंने, नॉन स्टिक के ढक्कन से डाला। नॉन स्टिक में बनाते हो वैसे तो? पर ना वो थोड़ा सा ना आदत नहीं ना मुझे, ये पुरानी कढ़ाई ही पसंद है सारी सब्जी इसी। हम बाहर बैठ के इधर ही देख रहे हैं, वो क्या सोच रहा है कि मैं ना कब जाऊँ अंदर, और अंदर आ जाता ये क्योंकि पोछे लगे हुए हैं ना, नहीं तो इसकी बैन बच जाएगी, इसलिए ये भी अंदर नहीं आ रहा अभी। सो मैं कब से वेट कर रही हूँ कि अभी तड़का लगेगा, अभी तड़का लगेगा। इस तड़के को तो लगने में बहुत देर हो गई है, लग ही रहा है अभी तक, बस अभी जाके ये फाइनली लग चुका है तड़का। सो अभी इस तड़के के आगे ये जो करने वाली है वो देखते हैं हम भी, और आपको भी दिखाते हैं, मैं भी सीख रही हूँ, कल को मैं भी ऐसे ट्राई करूंगी बनाने का ना। क्या कर रही है? देख पूरा घी छोड़ दिया इसने ना, अच्छे से सूख के कितना छोड़, थोड़ा हो जाता है ना तड़का यार। अभी ये अब मैं पानी छान दूंगी। ओके, अभी यहाँ पे पत्ती का पानी छाना जा रहा है और ये जाएगा अभी तड़के के अंदर ही मिक्स करेगी। अच्छा फिर अभी इसको उबालेगी पहले अलग से? ओके, कितनी देर तक इसको उबालना है फिर? बस ऐसे 5 मिनट, 5 मिनट 2-3 मिनट तक, ये देख उबल ही रहा है ना, उबला हुआ है ना तड़का अच्छे से। ओके, तड़का अच्छे से थोड़ा सा वो करके अब इसमें छोले डाल देंगे और चाय सीटी भी दिला देंगे, घी बुरा रस जाए ना छोले रस जाते हैं ना, सीटी दिला देंगे। ओके, फाइनली मैं तो कब से इंतजार कर रही थी, मैंने कहा यार ये पता नहीं कितनी देर लगेगी, मेहनत बोल लग जाती है ऐसे भी तड़का लगाने में है ना, देखा जाए हर चीज में ही मेहनत है वैसे तो। अभी छोले मिक्स करेगी? हाँ ये अब मिक्स कर देते हैं, उबाल ही लेंगे, देख उबल ही रहे हैं। हाँ क्या कह रही है? उबल जाए एक सेकंड, फिर ये डाल देते हैं। हाँ मिक्स अच्छे से होता है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर एक सीटी दिला देंगे, वैसे जरूरत नहीं है सीटी दिलाने की, छोले अच्छे से उबल चुके हैं हमारे, भीगे हुए थे ना रात के तो छोले तो अच्छे से बॉइल हो रखे हैं, बस अब हम डाल ही देते हैं। उबल ही रखा तो अभी छोले जा रहे हैं, टाइम बस हो गया हमारा। तो छोले उबल चुके मतलब अभी मिक्स हो गए हैं, और थोड़ी देर में रसने ढक के तो रखने पड़ेंगे ना, फिर जाके ये प्रॉपर रेडी हो जाएंगे। हो चुके हैं रेडी, अब बनेंगी पुड़िया, या फिर पुड़िया का प्लान हमारा हो रहा है कैंसिल, देखते हैं। सोच रहे हैं कि यार पुड़ियों से ना फिर ना सर पे चलने लग जाती है, तो हाँ सर पे बहुत ज्यादा फिर वो नींद सी आने लग जाती है, तो अभी सोच रहे हैं कि पुड़िया ना कैंसिल ही कर देते हैं, क्योंकि वो ना डीप फ्राई होती है तो अभी हेल्थ के लिए मुझे नहीं लगता वो सही है, तो हम सोच रहे हैं कि राइस ही बना लेते हैं छोलों के साथ, तो राइस ही खा लेते हैं, बिकॉज पुड़िया ये नहीं कि फिर पेट में गड़बड़ कर दे। क्या तल रहे हो तुम? Yes. नहीं यार फिर वो यार पेट में गड़बड़ ना करते, इसलिए मैं सोच रही हूँ रहने ही देते हैं यार पुड़िया ना, क्योंकि डीप फ्राई खाने का पुड़िया ये आगे बीच में कहती है हमारा तो मन कर रहा है खाने का। फिर यार एक एक तो ऐसे होता ना कि यार एक या दो पूड़ी खाई भी नहीं जाती, खाई भी जाती हो तो चार तो 10-15 बोल रही थी, मतलब यार 7-8 पूड़ियां तो खाई जाती, फिर ऐसे नहीं कि पेट में पता लगे नशा ही चढ़ जाए और पेट में जलन होने लग जाए। हाँ ये भी हो सकता है। चलो फिर गाइस देखते हैं अभी क्या बनता है, आपको दिखाते हैं फिर।